भारत में चाणक्य से पूर्व कई महान नीतिज्ञ हुए, जैसे भीष्म नीति, विदुर नीति, मनु नीति, मनुस्मृति, शुक्र नीति, बृहस्पति नीति, परशुराम नीति, गर्ग नीति आदि। अनेकों नीतिज्ञ हुए और चाणक्य के बाद भी कई महान नीतिज्ञ हुए, जैसे भर्तृहरि, हर्षवर्धन, बाण भट्ट आदि। अब बात करते हैं विदुर जी की। विदुर जी धृतराष्ट्र के सौतेले भाई थे, जो एक दासी के पुत्र थे। विदुर नीति के अंतर्गत नीति सिद्धांतों का सुंदर वर्णन किया गया है। युद्ध के अंतर विदुर पांडवों के भी मैत्री हुए। हिंदी नीति काव्य पर विदुर के कथनों एवं सिद्धांतों का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। विदुर नीति वास्तव में महाभारत युद्ध से पूर्व युद्ध के परिणाम के प्रति संकित हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के साथ उनका संवाद है। युद्ध के पूर्व महाराजा धृतराष्ट्र अपने सलाहकार विदुर को बुलाकर अच्छे और बुरे के बारे में चर्चा करते थे। महर्षि देवव्यास रचित महाभारत के उद्योग पूर्व में इस चर्चा का वर्णन भी मिलता है। यह संपूर्ण पूर्व इस प्रकार है, जो विदुर नीति के नाम से विख्यात है। सो आज मैं आपके लिए विदुर नीति से दो प्रमुख नीतियां लेके आया हूँ। पहला है, बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध करके कोई दूर भी चला जाए तो चैन से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें बहुत लंबी होती हैं और समय आने पर वह अपना बदला ले लेता है। इसमें महात्मा विदुर जी यह बताना चाहते हैं कि अगर किसी विद्वान और चतुर व्यक्ति के प्रति किसी ने कोई षड्यंत्र रचा हो या फिर कभी उसे परेशान किया हो, तो उस व्यक्ति को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति के बहुत लंबे हाथ होते हैं। जैसे कि हमारे देश में कहते हैं, कानून के भी बहुत लंबे हाथ होते हैं और वो लौट के बदला जरूर लेता है। अब उदाहरण के लिए चाणक्य को ही ले लेते हैं। जब राजा नंद ने भरी सभा में चाणक्य की बेइज्जती की, तो उसके बाद कई साल बीत जाने के बाद चाणक्य ने बदला लिया। इसीलिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति को कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देनी चाहिए, वरना वो पलट के जरूर वार करेगा। और अगर जाने अनजाने में आपसे यह हो भी गया हो, तो आपको चौकन्ने रहना होगा और आगे से ये गलती भी नहीं दोहरानी होगी। अब कई लोगों को यह लग रहा होगा कि इस लॉ के रियल लाइफ में क्या फायदे हैं और इसे कब और कहां कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, हमारी ये जितनी भी बुजुर्गों द्वारा हमारे लिए छोड़ी गई किताबें हैं और ज्ञान हैं, यह उस समय के युद्ध और रणनीति के बनाने में इस्तेमाल की जाती थी, और यह इंसान की रियल लाइफ भी किसी जंग से कम नहीं है। इसीलिए आप इसे कभी भी किसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को बिना बात के लिए परेशान न करें और कोशिश करें सेफ खेलने की, वो चाहे ऑफिस हो या स्कूल हो या फिर कहीं और जहाँ पे लोगों की गैदरिंग होती है। खास तौर पे उस जगह पे आपको बहुत ही सेफ खेलना होता है, आपकी वजह से किसी के दिल को तकलीफ ना पहुँचे और आपके कोई दुश्मन न बन जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी विजडम फैमिली तकरीबन 62,000 की हो गई है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस फैमिली में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फ्यूचर में और भी बहुत सारी दिलचस्प और सीखने वाला ज्ञान हम अपने फैमिली के साथ बांटने वाले हैं, और वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हो। और बार बार वीडियोस देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी नीति विदुर नीति से। नंबर दो, ईर्ष्या। दूसरों से घृणा करने वाले, असंतुष्ट, क्रोध करने वाले, शंकालु और परिषित, और दूसरों पर आश्रित रहने वाले, इन छह प्रकार के मनुष्यों को हमेशा दुख ही मिलता है। दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा रखता है और ईर्ष्या रखता है और कभी संतुष्ट ना रहने वाला व्यक्ति और ज्यादा शंका रखने वाला व्यक्ति और क्रोध जल्दी से करने वाला व्यक्ति और हर टाइम पर दूसरों पर आश्रित रहने वाले लोग, ये कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वो सदा इन्हीं चीजों के बीच फंसे रह जाते हैं। इसीलिए वो हमेशा दुख के भोगी होते हैं। तो ध्यान रहे, अगर आप में जाने अनजाने या गलती से ऐसी हैबिट है या आप ऐसी हैबिट के शिकार हो गए हैं, तो इन्हें आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसी चीज और ऐसी हैबिट इंसान में होना बहुत ही सामान्य बात है। लेकिन लोग आपको ये कभी नहीं बताएंगे, वो तो सिर्फ आपके बुरे हैबिटों का मजाक उड़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्रोथ आपकी रुकी रहेगी, उनकी नहीं। आज ही इन बुरी आदतों को छोड़ दें, शायद आपको दोबारा यह कोई याद न दिलाए। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे टीम का हौसला बनाए रखने के लिए
लाइक और शेयर जरूर करें, हमेशा मोटिवेट रहें। और आप लोगों को ऐसी ज्ञान भरी वीडियो बनाने के लिए इस समय इजाज़त चाहूँगा। आपका दिन शुभ हो।